तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी संगीत प्रेमियों का पीआरके म्यूजिक क्लासेज में। तो दोस्तों, हारमोनियम पर कोई भी गाना या भजन खुद से निकालने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है स्वर ज्ञान। और ये स्वर ज्ञान का एक और इम्पोर्टेंट लेसन मैं आपको आज देने जा रहा हूँ, जिसका अगर आप रेगुलरली रियाज करते हैं तो आपको जल्दी ही स्वर ज्ञान होगा और स्वर ज्ञान की मदद से आप कोई भी गाना या भजन निकाल पाएंगे। तो जो आज का हमारा लेसन है, इसमें आपके दो थाटों का रियाज हो जाएगा। एफ शार्प तीसरी काली से अगर आप स्वरों को देखेंगे तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, मंद्र सप्तक में नी धा और पा, ये स्वर हम प्रयोग में लेंगे। एफ शार्प से आप देखोगे तो ये आसावरी थाट हो जाएगा, जिसमें गा धा और नी कोमल स्वर प्रयोग में होते हैं। और अगर सी शार्प पहली काली से आप देखोगे तो ये भैरवी थाट के स्वर हो जाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो दो थाटों का रियाज आपका एक साथ में होने वाला है। रियाज आपको कैसे करना है, इसमें कोई नियम नहीं है, ना ही कोई सरगम या अलंकार मैं आपको बताने वाला हूँ। जोड़े बनाकर आपको रियाज करना है। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरा देखें ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आए और आपको कुछ सीखने को मिल सके। किस तरह से आपको जोड़े बनाने हैं, चार चार स्वरों का आप जोड़ा बना सकते हैं, एक दो तीन चार, यहाँ से बनाएंगे तो एक दो तीन चार। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, एक दो तीन चार, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, कुल मिलाकर जोड़े बनाकर रियाज करना है। और इनके साथ में हमें गुनगुनाना है कुछ ना कुछ, आकार में, हमिंग में, लाकार में, हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरि ओम, इस तरह से आपको गुनगुनाना है। सबसे पहले हम एफ शार्प के माध्यम से करेंगे, हमें जाना यहाँ तक जरूर है लेकिन रुकना हमें अपने मूल स्वर पर ही है। उसके बाद में आप सी शार्प को मूल स्वर मानकर रियाज करना, तो आपका भैरवी थाट का रियाज हो जाएगा। और एफ शार्प को आप अपना स्केल मान के करते हैं तो आपका आसावरी थाट का रियाज हो जाएगा। कैसे करना है, चार स्वरों का जोड़ा हो गया ना, एक दो तीन चार, तो कहने का मतलब दोस्तों नियम कोई नहीं है कि इसके बाद में आपको ये स्वर लगाना जरूरी है या जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना आपको जरूरी नहीं है। आपको स्वरों के उतार चढ़ाव को समझना है। अगर आप स्वरों के उतार चढ़ाव को समझ जाते हो, स्वरों के बीच में दूरी होती है उसको समझ जाते हो, तो आपको स्वर ज्ञान हो जाता है। जैसे इस स्वर से इस स्वर की दूरी कितनी है, आपने देखा होगा दोस्तों कोई भी गाना या जो भजन होता है उसमें ये जरूरी नहीं कि इसके बाद में यही स्वर लगेगा, इसके बाद में ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है। जैसे हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया। आपने देखा दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट ये स्वर लग रहा है। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, तो साथी कोई भूला याद आया। स्वरों के बीच में जो दूरी होती है उसको समझना बहुत जरूरी होता है। वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें, आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कैसे वो रियाज कर सकते हैं,
चुराए हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए हमें क्या हो गया है। नोटेशन के आधार पे तो आप गाने निकालना सीख सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार स्वरज्ञान सीख जाते हो तो उसके बाद में कोई भी गाना हो या भजन हो वो आप खुद से निकाल सकते हो। और स्वरज्ञान सीखने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। स्वरों के उतार चढ़ाव को आपको समझना होता है, दूरी को समझना होता है, इस स्वर से इस स्वर की आवाज़ कितनी लो है, इस स्वर से इस स्वर की आवाज़ कितनी तेज है, क्योंकि स्वर जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आवाज़ थोड़ी पतली हो जाती है और नीचे की तरफ आते हैं तो थोड़ी भारी हो जाती है। जैसे यही है कि हारमोनियम में जब ऊपर की तरफ जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आवाज़ पतली हो जाती है, नीचे की तरफ आएंगे तो थोड़ी भारी हो जाती है। और यही गानों में होता है, जैसे ये गाना ऊपर जा रहा है। अभी आगे हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगर गाने को ऊंचा लेते हैं तो हम वफा करके भी तन्हा, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो इस तरह के गाने और भजन निकालना आप आसानी से निकाल सकते हो जब आप स्वरज्ञान सीख जाते हो तो। और किस तरह से आप रियाज कर सकते हो, का मतलब है दोस्तों कि आप कुछ भी इन स्वरों के साथ में गुनगुनाते रहें, आकार में, हमिंग में, हरि ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। कोमल स्वरों का रियाज जरूर करें, क्योंकि जो सभी गाने होते हैं वो शुद्ध स्वरों में तो होते नहीं है, कोमल स्वरों का भी प्रयोग होता है। तो कोमल स्वरों का रियाज जरूर करें, क्योंकि आप सिर्फ सारेगामा पादानी साइन का रियाज करते हो, लेकिन सभी शुद्ध स्वरों में ज़्यादा रियाज करते हो। गाना आप निकालना चाहते हो अलग फीलिंग का, तो शुद्ध स्वरों में कैसे निकलेगा, तो इसलिए ये चीज़ें भी थोड़ा देखना होता है आपको। तो कैसा लगा आज का ये लेसन कमेंट करना ना भूलें। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।